अब हम देखते हैं आगे यहाँ पर क्या टाइटल दिया गया है, सब्ट्रैक्ट एंड अंडरस्टैंड जीरो, यानी कि यहाँ पर हमें माइनस करते जाना है और ज़ीरो को समझना है। यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पर ये जो एक ट्री की ब्रांच है उस पर आपको कितने बड दिखाई दे रहे हैं, काउंट करो, 1, 2, 3, ये ट्री की ब्रांच है, उस पर 3 स्पैरो है। उन 3 स्पैरो में से यहाँ पर सेकेंड पिक्चर है उसमें दिखाई दे रहा है, ट्री की ब्रांच पर 3 स्पैरो थी, उसमें जो ये 1 स्पैरो है वो उड़ जा रही है, यानी कि 3 माइनस 1, 3 थी उसमें से एक चली गई, तो अब कितनी स्पैरो बची, 2, 3 माइनस 1, 2। यहाँ पर एक ट्री की दूसरी, ट्री की ब्रांच की दूसरी पिक्चर दी गई है, उसमें कितनी स्पैरो दिखाई दे रही है, 1, 2। अब यहाँ पर एक पिक्चर है उसमें भी ट्री की ब्रांच है, उस ट्री की ब्रांच में से 1 स्पैरो है वो उड़ जा रही है, यानी कि 2 स्पैरो थी, 2 स्पैरो में से 1 स्पैरो चली गई, यानी कि 2 में से 1 चली गई, तो कितनी बची, 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है वैसे ही कि ट्री की ब्रांच पर ओनली 1 स्पैरो बची हुई है। वो 1 स्पैरो में से यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो ट्री की ब्रांच है उस पर 1 स्पैरो थी वो भी उड़ जा रही है, यानी कि 1 थी वो 1 भी उड़ जा रही है, तो अब कितनी स्पैरो बचेगी, 0, यानी कि यहाँ पर लिखना होगा 0, यानी कि जो ट्री की ब्रांच थी उसमें एट लास्ट कोई भी स्पैरो नहीं होती है, 3 की 3 स्पैरो उड़ जाती है, यानी कि ट्री की ब्रांच पर 0 स्पैरो है। यहाँ पर क्या लिखा है वो हम लोग देख लेते हैं, हाउ मैनी स्पैरो आर देयर, यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर कितनी स्पैरो है, तो हमें दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, तो हमने लिखा 3। बाद में क्या लिखा है, हाउ मैनी स्पैरो फ्लू अवे, यहाँ से कितनी स्पैरो चली गई, ओनली 1, यानी कि 3 माइनस 1। बाद में क्या लिखा है, हाउ मैनी स्पैरो आर लेफ्ट, यानी कि ये जो ट्री की ब्रांच है उस पर कितनी स्पैरो बची, 2, तो हमने क्या किया, 3 थी उसमें से एक उड़ गई, तो कितनी बची, 2, तो वो तो हमने देख ही लिया। नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी स्पैरो आर देयर, यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर कितनी स्पैरो है, 1, 2, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा 2। बाद में क्या कहा है, 1 स्पैरो फ्लू अवे, जो 1 स्पैरो थी वो उड़ गई, 2 में से 1 स्पैरो उड़ गई, यानी कि -1। हाउ मैनी स्पैरो आर लेफ्ट, तो कितनी स्पैरो बची, आंसर आएगा 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है, हाउ मैनी स्पैरो आर देयर, यहाँ पर कितनी स्पैरो है, 1, तो हमने यहाँ पर लिखा 1, माइनस 1 स्पैरो फ्लू अवे, 1 स्पैरो थी वो 1 की 1 स्पैरो वो ट्री की ब्रांच थी उस पे से उड़ गई, यानी कि 1 माइनस 1, तो यहाँ पर क्या लिखा है, नेक्स्ट, हाउ मैनी स्पैरो आर लेफ्ट, कितनी स्पैरो बची, 1 थी वो 1 की 1 स्पैरो उड़ गई, तो अब कितनी स्पैरो बचेगी, 0, आंसर आएगा 0। यहाँ पर क्या लिखा है, रिमेंबर व्हेन देयर इज नो रिमाइंडर इट इज कॉल्ड 0, यानी कि अगर कुछ भी नहीं बचता तो होता है 0, यानी कि 1 था उसमें से 1 चला गया तो क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, तो उसे बोलते हैं 0। नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी पिगन आर देयर ऑन द ट्री, यानी कि यहाँ पर जो ट्री है उस पे पिजन है, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, अगर वो 5 के 5 उड़ जाते हैं तो कितने बचते हैं, यानी कि 5 थे उसमें से 5 के 5 ट्री पर से चले गए, तो लास्ट में ट्री पर कितने बचते हैं, 5 थे 1, 2, 3, 4, 5 5 के 5 उड़ गए, तो अब कितने बचे, 0, तो हमारा आंसर आएगा 0। यहाँ पर लिखा है हाउ मैनी पिजन आर ऑन द ट्री, यहाँ पर ट्री पर कितने पिजन है, तो वो हमने लिखा 5। यहाँ पर लिखा है हाउ मैनी पिजन
फ्लू अवे, यानी कि कितने पिगन उड़ गए। तो कितने पिगन उड़ गए, सारे के सारे फाइव थे, वो फाइव के फाइव उड़ गए, तो यहाँ पर लिखा है फाइव। नेक्स्ट क्या लिखा है, हाउ मैनी पिगन आर लेफ्ट, यानी कि कितने बचे, तो आएगा जीरो। नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी कप आर देयर ऑन द ट्रे, यहाँ पर हमने ये जो ट्रे है उसमें कितने कप दिखाई दे रहे हैं, वन टू थ्री, ट्रे में थ्री कप है। अगर ये लड़की वो ट्रे को उठाकर जा रही है और उसके हाथ से ट्रे गिर जाती है, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि जो थ्री कप थे वो थ्री के थ्री कप टूट गए, यानी कि थ्री कप थे माइनस कितने कप टूट गए, थ्री के थ्री सारे कप टूट गए, थ्री माइनस थ्री, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। हमारा आंसर आया ज़ीरो, यानी कि यहाँ पर ट्रे में कितने कप दिखाई दे रहे हैं, एक भी नहीं, इसका मतलब ज़ीरो। यहाँ पर क्या लिखा है, हाउ मैनी कप आर देयर ऑन द ट्रे, ट्रे पर कितने कप है, थ्री। बाद में क्या लिखा है, हाउ मैनी कप आर ब्रोकन, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि थ्री कप ब्रोक हो गए। यहाँ पर क्या लिखा है लास्ट में, हाउ मैनी कप आर लेफ्ट, यानी कि कितने कप बचे, थ्री थे उसमें से थ्री चले गए, तो कितने बचे, ज़ीरो। नेक्स्ट क्या है, थ्री नंबर की एक्सरसाइज, काउंट द कैट एंड राइट इन बॉक्स, यानी कि यहाँ पर ट्री है, ट्री के नीचे कैट्स दिखाई दे रही है, उनको हमें काउंट करना है और बॉक्स में हमें आंसर फिल करना है। यहाँ पर जो फर्स्ट यहाँ पर है उसमें कितनी कैट है, वन टू थ्री, यानी कि हमें लिखना होगा थ्री। अगर थ्री कैट में से एक कैट कहीं पर चली जाए ट्री को छोड़ के, तो हमें यहाँ पर सेकंड पिक्चर में दिखाई दे रहा है वैसे कितनी कैट बचेगी, वन टू, तो यहाँ पर लिखना होगा टू। उन टू कैट में से अगर कोई एक कैट फिर से चली जाए, तो अब ट्री के नीचे कितनी कैट बची है, ओनली वन, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा वन। और यहाँ पर ट्री के नीचे कोई भी हमें कैट दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि यहाँ पर कितनी कैट है, ज़ीरो। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर फोर, काउंट द बलून एंड राइट इन बॉक्स, यहाँ पर बलून है उनको काउंट करना है और बॉक्स में जो भी आंसर आए उसे लिखना होगा। यहाँ पर किसी का हाथ दिखाई दे रहा है, उस हाथ में कितने बलून है, वन टू थ्री फोर, यानी कि किसी के हाथ में फोर बलून थे। उन फोर बलून में से अगर कोई एक बलून फूट जाए, तो कितने बलून बचे, वन टू थ्री, यानी कि हमें यहाँ पर लिखना होगा थ्री। अब थ्री बलून है, उन थ्री बलून में से फिर से कोई एक बलून टूट जाएगा, फूट जाएगा, तो कितने बलून बचे, वन टू, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा टू। अब ये टू बलून थे, उन टू बलून में से अगर फिर से एक बलून टूट जाएगा, तो कितने बलून बचेंगे, वन, यहाँ पर लिखा हमने वन। यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा है वैसे ही अगर वन बलून था, वो वन बलून भी फूट जाएगा, तो कितने बलून बचेंगे, ज़ीरो, कितने बलून बचेंगे, ज़ीरो, तो ये हमें यहाँ पर लिखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट एज पर एग्जाम्पल, हमें यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है वैसे ही हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि यहाँ पर हमें माइनस करना है जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है वैसे ही। यहाँ पर कितने एप्पल है काउंट करो, वन टू थ्री फोर, फोर एप्पल है, और यहाँ पर एप्पल के ऊपर ऐसे कट क्रॉस किया हुआ है, ऐसे कट क्रॉस किया हुआ है वैसे कितने एप्पल है, वन टू थ्री फोर, यानी कि फोर एप्पल दिए हैं, उन सभी फोर एप्पल पे ऐसे क्रॉस करके दिया हुआ है, यानी कि फोर माइनस फोर, फोर एप्पल थे, अगर वो फोर के फोर एप्पल आप लोग खा जाए, तो आपके पास कितने एप्पल बचेंगे, ज़ीरो, फोर थे उसमें से वन टू थ्री फोर सारे खा जाओ, तो आप कितने बचे, ज़ीरो, तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा ज़ीरो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है माउस, यहाँ पर कितने हैं, वन टू थ्री, थ्री है, वो थ्री के थ्री चले जाए,
तो कितने बचेंगे, 3 माइनस 3, 3 थे 1 2 3, वो 3 के 3 चले गए तो कितने बचे, 0। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 0। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बलून। यहाँ पर कितने बलून दिखाई दे रहे हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 बलून है। अगर 5 बलून है, यहाँ पर क्रॉस कितने बलून पर किया है, 1 2 3 4 5, 5 के 5 बलून पर ऐसे क्रॉस करके दिया हुआ है, यानी कि 5 बलून थे, वो सारे 5 के 5 बलून टूट जाएंगे, यानी कि फूट जाएंगे, तो आपके पास कितने बलून बचेंगे, 0। यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 0। यहाँ पर हमने ए वन हंस दिखाई दे रहा है, अगर वो उड़ जाए या फिर चला जाए तो कितने बचेंगे, 1 माइनस 1, तो आंसर आएगा 0। नेक्स्ट है फ्रॉग। यहाँ पर कितने फ्रॉग है, 1 2 3, 3 फ्रॉग है, और ऐसे कैंसल करके कितने फ्रॉग दिए गए हैं, 3, यानी कि 3 फ्रॉग थे, उन 3 फ्रॉग में से 3 के 3 फ्रॉग पानी में चले जाए तो बाहर कितने फ्रॉग दिखेंगे, 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 0। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्पैरो। यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 स्पैरो है, ऐसे क्रॉस करके कितनी स्पैरो को दी है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 स्पैरो थी, और 5 स्पैरो पे क्रॉस किया है, यानी कि 5 स्पैरो थी, वो 5 की 5 स्पैरो उड़ गई, यानी कि 5 माइनस 5, 5 स्पैरो थी, वो सारी की सारी उड़ गई, तो अब कितनी बचेगी, 0। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 0। तो ये वाली एक्सरसाइज भी हमारी फिनिश होती है। थैंक यू एवरीवन।